नमस्कार, इंडिया लाइव न्यूज में पेश है आज की बड़ी खबरें। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया कि दिल्ली में कोविड 19 संबंधी सभी सावधानियों के साथ धीरे धीरे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए स्कूल, उनके कोचिंग संस्थान और सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खुल सकेंगी। बकौल सिसोदिया, बच्चों को स्कूल आने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने नए आईटी नियमों को लेकर व्हाट्सएप और फेसबुक की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। याचिका में कहा गया है कि नए आईटी नियम व्यक्ति की निजता के आधार का उल्लंघन करते हैं और असंवैधानिक हैं। गौरतलब है कि मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि कोविड 19 से उबरने के बाद मैं कई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना कर रहा हूं। उन्होंने बताया कि गुरुवार से उन्हें सीने में तेज दर्द हो रहा है, जिसके बाद उन्होंने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में सिटी एंजियोग्राफी जांच करवाई थी और अब उनकी एंजियोप्लास्टी होगी। मालविंदर सिंह माली ने कश्मीर संबंधी बयान पर विवाद के बाद पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के राजनीतिक सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है। बकौल माली, अगर उन्हें कोई शारीरिक क्षति पहुंची तो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, पार्टी नेता मनीष तिवारी आदि जिम्मेदार होंगे। दरअसल उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों का कश्मीर पर अवैध कब्जा है। पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू एक वीडियो में कहते सुनाई दे रहे हैं, मैंने आला कमान से कहा है कि अगर मैं पंजाब के लोगों के भरोसे पर खरा उतरता हूं तो कांग्रेस को अगले 20 साल राजनीति में कहीं जाने नहीं दूंगा। उन्होंने आगे कहा, लेकिन आप निर्णय नहीं लेने दोगे तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के निर्णय लेने में छूट नहीं मिलने के बयान पर कहा है, मैं इसके संदर्भ में देखूंगा, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके सिवा कौन निर्णय ले सकता है। सिद्धू ने कहा था कि उन्होंने आला कमान से बोला है कि निर्णय नहीं लेने देने पर वो ईंट से ईंट बजा देंगे। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के अधिकार सेना नामक राजनीतिक दल बनाने के ऐलान के कुछ घंटों बाद ही यूपी के लखनऊ में उन्हें गिरफ्तार किया गया। ठाकुर के ट्वीट के अनुसार पुलिस कोई कारण बताए बिना उन्हें जबरन थाने ले गई। बतौर रिपोर्ट्स, उनकी गिरफ्तारी बसपा सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला की आत्महत्या मामले में हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले के संबंध में एनसीपी नेता एकनाथ खड़से व अन्य की करीब 5.73 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने कहा, हमने खड़से, उनकी पत्नी मंदाकिनी खड़से और दामाद गिरीश चौधरी की संपत्तियां जब्त की हैं। इन संपत्तियों में लोनावाला स्थित एक बंगला व जलगांव में 3 फ्लैट भी शामिल हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने नागपुर के 200 साल पुराने रेड लाइट एरिया गंगा जमुना को सील कर 2 माह तक देह व्यापार पर रोक लगा दी है। इस रोक के साथ अगर कोई व्यक्ति यहां देह व्यापार में संलिप्त मिलता है तो पुलिस उसे जेल भेज सकती है। पुलिस ने इस इलाके से पिछले 10 साल में 109 नाबालिगों को रेस्क्यू किया है। उत्तराखंड के देहरादून में शुक्रवार को रानी पोखरी ऋषिकेश हाईवे पर जाखन नदी के पुल का हिस्सा वाहनों समेत ढह गया और क्षतिग्रस्त पुल का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक शख्स नदी में गिरे पुल के हिस्से पर ऊपर की ओर भागकर खुद को बचाता दिख रहा है। वहीं जिले में मालदेवता सहस्त्रधारा लिंक रोड भी ढहकर एक नदी में समा गई। नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने गुरुवार को पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक रिपोर्ट और डैशबोर्ड 2021-22 को जारी किया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि सूचकांक रिपोर्ट से 8 पूर्वोत्तर राज्यों के जिलों को स्थानीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के मामले में मजबूती मिलेगी। बिहार के हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के काफिले पर इंजन ऑयल फेंके जाने के बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से जेड प्लस सुरक्षा की मांग की है। पारस ने कहा कि राजनीतिक साजिश के चलते उनके जीवन पर खतरा है। गौरतलब है, चिराग पासवान से एलजेपी के नेतृत्व पर विवाद के बीच पारस केंद्रीय मंत्री बने थे। भारत ने अफगानिस्तान के काबुल में एयरपोर्ट के पास गुरुवार को हुए आतंकी हमलों की निंदा की है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ब्रीफिंग में कहा,
कि ये हमले आतंकवाद और आतंकियों को शरण मुहैया कराने वालों के खिलाफ दुनिया के एकजुट होकर खड़े होने की आवश्यकता को प्रबल करते हैं। एपी ने अफगानिस्तान और अमेरिका के अधिकारियों के हवाले से कहा कि काबुल एयरपोर्ट के पास गुरुवार को हुए बम धमाकों से अफगानिस्तान के कम से कम 95 लोग और 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए। एक अधिकारी के मुताबिक मृतकों की संख्या ज्यादा हो सकती है क्योंकि हो सकता है कि बाकी लोग घटनास्थल से शव ले गए हों। सरकार ने रेडी टू वियर क्लोथिंग सेक्टर में भारत के लिए एक नया मानकीकृत साइज चार्ट पेश करने के उद्देश्य से सर्वे शुरू किया है। निफ्ट के महानिदेशक शांतमनु ने कहा, इसमें विभिन्न आयु वर्ग, आय वर्ग और संस्कृतियों के प्रतिभागी शामिल होंगे। शांतमनु ने आगे कहा, हम एक सुरक्षित 3D फुल बॉडी स्कैनर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। शुक्रवार को मस्कट से ढाका जा रही विमान बांग्लादेश एयरलाइंस की फ्लाइट के पायलट को हार्ट अटैक आने के बाद महाराष्ट्र के नागपुर में उसकी इमरजेंसी लैंडिंग की गई। कोलकाता ATC ने 126 यात्रियों को ले जा रहे विमान को सबसे नजदीकी नागपुर एयरपोर्ट पर उतारने की सलाह दी थी। बकौल अधिकारी पायलट को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को ऐलान किया कि अभिनेता सोनू सूद दिल्ली सरकार के देश के मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि ये कार्यक्रम विशेष तौर पर सरकारी स्कूलों के गरीब बच्चों को करियर को लेकर गाइड करने के संबंध में है और खुद सोनू सूद भी कुछ बच्चों के मेंटोर बनेंगे। अफगानिस्तान की फिल्म मेकर और फोटोग्राफर रोया हैदरी ने तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से भागने को लेकर ट्वीट कर कहा है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपना घर छोड़ दिया ताकि मेरी भागीदारी बनी रहे। उन्होंने लिखा, मैं केवल कुछ कैमरे और अपने अंदर मरे हुए इंसान को समुद्र के पार लेकर आई, भारी मन से मातृभूमि को अलविदा। पाकिस्तानी जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा के ओलंपिक फाइनल से पहले, मुझे अपना जैवलिन नहीं मिल रहा था, वो अरशद के पास था, बयान पर विवाद को लेकर कहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्रिकेट में भी लोग एक दूसरे से बल्ला लेते हैं। इससे पहले नीरज ने कहा था, सभी थ्रोअर हमारे पर्सनल जैवलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अफगानिस्तान के T20I कप्तान राशिद खान ने काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाके पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें अब तक करीब 95 शव मिले हैं। रोने वाले इमोजी के साथ उन्होंने ट्वीट किया, काबुल में फिर से खून बह रहा है, कृपया अफगानों को मारना बंद करें। इससे पहले राशिद ने वैश्विक नेताओं से अफगानों को अकेले नहीं छोड़ने की अपील की थी। फ्रांस के 2018 विश्व कप विजेता फुटबॉलर बेंजामिन मेंडी ने 16 साल से अधिक उम्र की 3 लड़कियों के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोप तय किए गए हैं। मैनचेस्टर सिटी के 27 वर्षीय डिफेंडर को क्लब ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर जांच के आदेश दिए हैं। ये घटनाएं कथित तौर पर अक्टूबर 2020 से अगस्त 2021 के बीच हुई थी। यूपी के मेरठ में 60 वर्षीय रामचंद्र नामक शख्स ने दारोगा सुनील कुमार के घर की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। SP विनीत भटनागर के अनुसार बरेली निवासी रामचंद्र की 27 वर्षीय बेटी कुछ दिनों पहले लापता हुई थी, जिसके बाद उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दारोगा सुनील कुमार मामले की जाँच पड़ताल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गुरुवार रात 2 हॉस्टल के छात्रों के बीच विवाद के बाद पत्थरबाजी हो गई, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। बतौर रिपोर्ट्स कुछ छात्रों ने पेट्रोल बम फेंके और हवाई फायरिंग भी की। वहीं यूनिवर्सिटी के परिसर में PAC समेत अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसी तरह की अन्य तमाम अपडेट्स के लिए इंडिया लाइव न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।